एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है मेरी किचन पे। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा मसाला। देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस राजमा मसाला की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप राजमा लिया है, उसे मैंने रात भर फुलो दिया है। फुलोने के बाद मैंने इसे 2 से 3 सीटी कुकर पे उबाल लिया है। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है उबलने के बाद ये। और मैंने यहाँ पे एक आलू भी उबाल लिया है, देख सकते हैं ये राजमा अच्छे से उबल गया है। और यहाँ पे मैंने आलू को भी, एक आलू को मैंने उबाल लिया है, ये भी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। राजमा और आलू दोनों यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से मैं आलू को क्रश कर ले रही हूँ, इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई को बैठा दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल को छोड़ दिया मैंने गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ पे हमारा जो राजमा का मसाला है वो तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे एक मिक्सी का जार लूँगी, जार को ले लिया मैंने। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 12 से 15 कलियां लहसुन की, 2 प्याज जैसे कटा हुआ, 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हम लहसुन को डालेंगे, 2 इस तरह से प्याज कटा हुआ डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। जार पे डाल दिया सारी चीज़ों को। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच धनिया डालूंगी, साबुत धनिया। 1 चम्मच हम यहाँ पे साबुत जीरा डालेंगे। जार पे डाल दिया। और 1/2 चम्मच काली मिर्च साबुत। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इन सारी चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे मसालों का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ ऑनियन डालेंगे और ऑनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। इसे हमें इसी तरह से चलाते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें पूरा सुनहरा होने तक भून लेना है। अभी ये थोड़ा और फ्राई होगा तो इसे हम तेल पे छोड़ देते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल और प्याज में। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। इस तरह से तेल में अच्छे से हमें हल्दी को मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 2 रफली चॉप टमाटर ऐड करूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था उसे डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप, ये हमारा राजमा का मसाला है। इसे हमें पूरी अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे अच्छे से तेल छोड़ने तक पका लेना है। इस तरह से जार में जो भी मसाला है मैंने उसे पानी में वो करके डाल दिया है। देख सकते हैं पानी में धो के डाल दे।
और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसे तेल छोड़ने तक हमें भूनना है। अब मैं यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है राजमा मसाला का। तो इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक मसाले। लीड क्लोज़ कर दें और भून लेना है हमें इसे। देख सकते हैं आप, मैं बीच बीच में मसाले को चला रही हूँ, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इस तरह से आप इसे बीच बीच पे चला लें और इसे अच्छे से भूनना है हमें। देख सकते हैं अभी मसाले पूरी तरह से नहीं भुने हैं। फिर से हम इसका जो फ्लेम है यहाँ पे मैं मीडियम करूँगी, लीड को क्लोज़ करके, और 10 से 15 मिनट हमें पकाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसाला है अच्छे से भून चुके हैं। मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। यहाँ पे मसाले तैयार हैं। हम इसमें एक आलू जो हमने बॉईल किया था वो डालेंगे क्रश करके, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आलू यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप आलू डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मसालों में आलू को डाल देंगे और आलू को डालने के बाद हम आलू को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से हमें इसे लगातार भूनते रहना है। यहाँ पे ये भून चुका है। अब मैं इसमें हमारा जो बॉईल किया हुआ राजमा है उसे ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे हमारा जो राजमा का मसाला है दिख रहा है। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में राजमा को, लीड क्लोज करके एक उबाल आने तक गैस पे छोड़ देंगे। ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। देख सकते हैं हमारा जो राजमा है यहाँ पे कितना अच्छा बना है। देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी यम्मी सा ये बन के तैयार हो गया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ पे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूँगी हाथों से क्रश करके, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। और इसे भी हम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है ये यहाँ पे हमारा जो राजमा मसाला है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, इस तरह से डाल देंगे धनिया को और इसे भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर दें। और इसे एक बॉईल आने देंगे। बस यहाँ पे ये बन के तैयार है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से अच्छे से बन के तैयार हो गई है ये। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे एक सर्विंग बाउल पे निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा जो राजमा मसाला है यहाँ पे बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।